बहुत समय पहले की बात है, गांव के किनारे स्थित एक पहाड़ी पर बनी एक कुटिया में भिक्षु निर्मल रहते थे। निर्मल का नाम ही उनके स्वभाव का परिचय था। वे अंदर से इतने निर्मल और शांत थे कि उनके पास बैठने से ही मन का बोझ हल्का हो जाता था। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वे जीवन का रहस्य समझ चुके हों और अब बाकी दुनिया की भाग दौड़ से बिल्कुल निर्लिप्त हो गए हों। वे बहुत कम बोलते थे और ज्यादातर समय मौन ही रहते थे, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति में ही एक ऐसा रहस्यमय आकर्षण था जो लोगों को उनकी ओर खींच लेता था। जब लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते तो वो उनकी समस्याओं को मौन होकर पूरे ध्यान से सुनते और शायद ही कभी कोई उत्तर देते, बस अंत में मुस्कुराकर अपना सिर हिला देते। लेकिन जब कोई बहुत जोर डालकर उनसे उत्तर की मांग करता तो वे सिर्फ एक ही बात कहते, जैसे जीवन में सांस चाहिए वैसे ही लक्ष्य चाहिए। कई लोगों को उनकी ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन लोग फिर भी उनके पास आते थे क्योंकि उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था कि हर बार लौटने के बाद लोग अपने भीतर एक शांति और समाधान महसूस करते थे। शायद कई बार सबसे गहरे उत्तर मौन में ही छिपे होते हैं। उसी गांव में अरुण नाम का एक युवक था। अरुण एक समय पर उत्साह से भरा हुआ और बड़े सपने देखने वाला लड़का था। उसने अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तय किए थे। उसके जीवन की शुरुआत बहुत उम्मीदों और आकांक्षाओं से भरी हुई थी। उसने एक अच्छा भविष्य बनाने का सपना देखा था, एक अच्छा जीवन जीने की योजना बनाई थी और उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों का पूरा साथ भी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता अरुण के जीवन में चुनौतियां बढ़ती गईं। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने कई जगह काम की तलाश की, खुद को योग्य साबित करने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ा। उसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। लोग उसे योग्य तो समझते थे लेकिन कोई उसे मौका नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वास्तव में योग्य नहीं हूँ? इस बीच उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी कठिनाइयों से घिर गई। एक समय था जब उसके दोस्त और परिवार वाले उसके साथ खड़े रहते थे, उसका सहारा बनते थे, लेकिन बार बार की असफलताओं ने उन्हें भी अरुण से दूर कर दिया। कुछ दोस्तों ने उससे दूरी बना ली क्योंकि अब उसके पास दिखाने और बताने के लिए कोई सफलता की कहानी नहीं थी। परिवार भी धीरे धीरे उससे निराश होने लगा। उन्हें लगने लगा कि अरुण अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वे उसके सामने तो कुछ नहीं कहते लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलकने लगी थी। अरुण को महसूस हुआ कि अब उसका कोई नहीं है, ना दोस्त और ना परिवार। इन सारी मुश्किलों के बीच अरुण खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो गई। वह हर रोज अपने जीवन से हार मानने लगा। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता, अब आगे क्या? क्या मैं जीवन में कभी सफल हो पाऊंगा? उसका मन इस कदर निराश हो गया कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी नजर में सारी चीजें बिखर चुकी थी। हर असफलता के बाद उसे लगता, शायद यह मेरी किस्मत में ही नहीं है, और यहीं से उसकी उम्मीदों का अंत हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई भी चीज उसके नियंत्रण में क्यों नहीं है। एक दिन जब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे और उसे लगने लगा कि अब कोई भी उसे समझने वाला नहीं है, उसने गांव के कुछ लोगों से भिक्षु निर्मल की चर्चा सुनी। लोग कह रहे थे कि भिक्षु के पास जाकर उनकी परेशानियां हल हो जाती हैं। अरुण को लगा कि शायद उसकी समस्याओं का भी हल भिक्षु के पास हो। वह भिक्षु निर्मल के पास पहुंचा। कुटिया के सामने झुके हुए पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे भिक्षु की आंखें आसमान में टिकी हुई थी, जैसे वह जीवन का कोई गहरा रहस्य देख रहे हों। अरुण ने हिम्मत करके अपनी सारी व्यथा भिक्षु के सामने रख दी कि कैसे वह नौकरी पाने में बार बार असफल हुआ, कैसे उसके दोस्त और परिवार वाले उससे दूर हो गए और कैसे अब उसे जीवन में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसने भिक्षु से कहा, मैंने हर संभव कोशिश कर ली है फिर भी असफल हो रहा हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बिना कुछ बोले मुस्कुराए। अरुण ने फिर कहा, गुरुदेव क्या आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे? मैं उत्तर चाहता हूँ। भिक्षु ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जैसे जीवन में सांस चाहिए वैसे ही लक्ष्य चाहिए। अरुण को भिक्षु की बात समझ में नहीं आई, वह सोच में पड़ गया, सांस और लक्ष्य का क्या संबंध हो सकता है? उसने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे मिलो। अरुण को यह जवाब समझ में नहीं आया, पर उसने सोचा कि शायद भिक्षु के पास अगली सुबह कोई उत्तर होगा। अगले दिन अरुण सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गया। वहां भिक्षु निर्मल पहले से ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने बिना कुछ कहे नदी की ओर चलना शुरू कर दिया। अरुण ने भी कुछ नहीं पूछा और उनके पीछे पीछे चल पड़ा।
दोनों धीरे धीरे नदी के गहरे पानी की ओर बढ़ते गए। जब पानी गले तक पहुंच गया तभी अचानक भिक्षु ने अरुण को कंधे से पकड़ा और उसे पानी में डुबो दिया। अरुण को कुछ समझ में नहीं आया, वह पानी के अंदर झटपटाने लगा, उसकी सांसें थमने लगी और वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन भिक्षु ने उसे और नीचे गहराई में दबा दिया। जब अरुण लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गया तभी भिक्षु ने उसे अचानक बाहर खींच लिया। अरुण हाँफते हुए किनारे पर आ गिरा। उसकी सांस तेज चल रही थी और उसकी आंखों में डर और प्रश्नों की बाढ़ थी। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हुई? अरुण ने हाँफते हुए कहा, सांस, मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सांस की तरह कुछ चाहिए तब तुम पूरी ताकत से उसे पाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तक तुम्हारी इच्छाएं कमजोर होती हैं तुम्हारा प्रयास भी कमजोर रहेगा। अगर तुम जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी जरूरत इतनी गहराई से महसूस होनी चाहिए जैसे तुम्हें पानी में सांस चाहिए थी, तभी तुम उसे पा सकोगे। आधे मन से कुछ भी चाहने पर तुम केवल संघर्ष और असफलता पाओगे। अरुण को उस पल में अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया। उसने अब तक जीवन में जो भी किया था वह आधे मन से किया था। असफलता से डर कर उसने कभी पूरी तरह कोशिश नहीं की। उसने माना कि वह जीवन में भाग्य या दूसरों को दोष देकर खुद से भागता रहा, लेकिन उसने सच्चा प्रयास कभी नहीं किया। असफलता से घबरा कर उसने प्रयास आधे मन से शुरू किया और उसी तरह छोड़ भी दिया। लेकिन जब जीवन में कुछ पाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जैसे डूबते समय सांस की होती है तभी वह लक्ष्य प्राप्त होता है। अरुण के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने भिक्षु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर मैं पूरी ताकत से भी कोशिश करूं फिर भी जीवन में असफलता तो मिल सकती है, तब मैं क्या करूं? भिक्षु ने हंसते हुए कहा, असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम असफल होते हो या सफल। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हर असफलता को एक सीख की तरह देखो। अगर तुम असफल होते हो तो उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानो, ना कि उसका अंत। जब तुम जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और समर्पण से जीते हो तब असफलता भी तुम्हारे लिए एक सबक बन जाती है, ना कि एक बाधा। भिक्षु के उपदेश ने अरुण को एक नई ऊर्जा दी। उसने ठान लिया कि वह अपने लक्ष्य के लिए उसी समर्पण के साथ प्रयास करेगा जैसे वह पानी से निकलने के लिए कर रहा था। अब उसने अपने ध्यान, समय और ऊर्जा को अपने लक्ष्य की दिशा में लगाना शुरू किया। वह अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो गया और हर असफलता को सीखने का मौका मानकर आगे बढ़ने लगा। उसने सबसे पहले अपने डर और कमजोरियों का सामना करना शुरू किया। वह उन कामों को सूचीबद्ध करने लगा जिसमें वह असफल रहा था। अरुण ने अपने सपनों की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। उसने अपनी रुचियों और क्षमताओं को अच्छे से समझा, विचार किया और यह तय किया कि वह खेती में अपना करियर बनाएगा, जो उसके परिवार की परंपरा थी। उसने अपने गांव के बड़े किसानों से सीखा और उनकी तकनीकों को अपनाया। धीरे धीरे उसने खेती की नई विधियां सीखी और अपनी उपज को बेहतर करने की कोशिश की। इसके साथ ही उसने खुद पर नियंत्रण और अपने समय का प्रबंधन करना भी सीखा। वह सुबह जल्दी उठता और सूरज की पहली किरण के साथ खेत में काम करने जाता। उसने अपनी असफलताओं को एक नया नजरिया दिया। अब वह उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखने लगा और जब भी उसके जीवन में कोई कठिनाई आती वह भिक्षु की बातें याद करता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता। कुछ वर्षों बाद अरुण की मेहनत रंग लाई, उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसे अच्छी आमदनी होने लगी। उस आमदनी से उसने खेती के लिए और जमीन खरीदी। धीरे धीरे वह अपने गांव में एक सफल किसान के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा किया। अरुण ने गांव के अन्य युवकों को भी अपनी सफलता की यात्रा में शामिल किया। उन्होंने एक समूह बनाया जो अलग अलग गांवों और राज्यों में जाकर खेती के नए तरीके सीखते और अपने अनुभव साझा करते और दूसरों को भी सिखाते। इस तरीके से उस गांव के सैकड़ों किसानों को फायदा हुआ और उनकी भी फसलें बेहतर हो गई। इसके बाद अरुण ने गांव में एक स्कूल खोला जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और बच्चों को बताया कि असफलता से डरने की बजाय उसे एक सबक समझना चाहिए। उसने यह भी सिखाया कि सच्ची सफलता मेहनत और धैर्य से आती है। अरुण ने अपने गांव के लिए एक उदाहरण स्थापित किया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। एक दिन अरुण फिर से भिक्षु निर्मल के पास गया। भिक्षु उसे देखकर मुस्कुराए और पूछा, तुमने क्या सीखा? अरुण ने गर्व से कहा, मैंने सीखा कि अगर किसी चीज की आवश्यकता गहरी हो तो उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, इसे पार करके ही हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने अनुभव से जो सीखा है वही सच्ची सफलता है।
आगे बढ़ो और अपनी सफलता की कहानी बनाते रहो। इस प्रकार अरुण ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। इस यात्रा में अरुण ने यह समझ लिया था कि जीवन में केवल सफलता महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उस सफलता को पाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि जीवन में जब तक हमारी इच्छाएं गहरी नहीं होती तब तक हम अधूरे प्रयास करते हैं। जब किसी चीज की जरूरत उतनी ही गहरी हो जितनी सांस की होती है तब हम उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।